Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about biological classification kingdom Monera. I hope आपने first part अच्छे से देख लिया होगा, study कर लिया होगा. अब हमने बात करनी है किंगडम मोनेरा की, राइट? तो स्टार्ट करते हैं. तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको मोनेरा की प्रॉपर स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दिखाई दे रहे होंगे. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो ये मोनेरा है ना, ये सबसे पहला किंगडम है, राइट? जो कि आर एच वाइटेकर ने दिया था, उसके अकॉर्डिंगली ये जो फर्स्ट उसने किंगडम दिया, दैट इज किंगडम मोनेरा. अब उस मोनेरा में क्या क्या आ जाते हैं? प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, यानी उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. और जो न्यूक्लियस होता है जनरली उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड. व्हाट वी कॉल देम? न्यूक्लियोइड, राइट? तो दिस इज योर मेजर मेजर फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट? इनमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, इनमें आ जाते हैं माइकोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया, राइट? ये सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके मोनेरा के अंदर कवर हो जाते हैं. अब मोनेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड यूनिसेलुलर. प्रिमिटिव मीन सबसे पहले पाए गए यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. इनके जो सेल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है. इसका मतलब ये है कि सेल्यूलोज इनकी सेल वॉल में नहीं होता, राइट? और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है? दे हैव वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. देखो, वो सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, इसका मतलब वो डेड ऑर्गेनिज्म पर भी फीड कर सकते हैं. पैरासाइटिक यानी वो होस्ट पर भी फीड कर सकते हैं. कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब वो केमिकल सिंथेसाइज करके भी अपना फूड बना सकते हैं. फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस से भी अपना फूड डिराइव कर सकते हैं. सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि वो खुद कुछ बनाकर, जैसे कि लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस क्या करते हैं? एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, तो एल्गी क्या करती है? फूड बना देती है. और फंगस क्या करती है? प्रोटेक्शन दे देती है. तो इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी उनमें हो सकता है. डीएनए इज नेकेड, राइट? एंड इट लाइज इन साइड द साइटोप्लाज्म, इन द साइटो इन द साइटोप्लाज्म इन कॉइल फॉर्म. तो डीएनए ऐसे होगा कॉइल फॉर्म में, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. फ्लैजेला भी होते हैं. सबसे पहली बात, फ्लैजेला का काम क्या होता है? फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए, फॉर मूवमेंट के लिए फ्लैजेला पाए जाते हैं. और कई बार 11 स्टैंडर्ड जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें उनमें भी फ्लैजेला, 11 स्ट्रैंड्स वाला, इस तरीके से 11 स्ट्रैंड्स वाला फ्लैजेला पाया जाता है, ठीक है? इनके पास एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं फ्लैजेलेट, राइट? रिप्रोडक्शन असेक्सुअल मेथड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं. गैमेट्स इनके पास नहीं प्रेजेंट होते. सम ऑफ द मोनेरियंस हैव द एबिलिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन. आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं दे कैन नॉट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन. सम ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर. सो वॉट दे डू, दे take the help of other bacterias like rhizobium and they fix the nitrogen for them and they are helpful to make it into the nitrates and then nitrates form, they can derive the nourishment. So first is your bacteria, right? तो bacteria के बारे में सबसे पहले Ehrenberg ने बताया था 1829. और सबसे important बात ये है कि वो हार्श कंडीशंस पे रह सकते हैं. दे कैन सर्वाइव इन 78 डिग्री सेल्सियस टू 1-190 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग पॉइंट्स टू टिल बॉइलिंग पॉइंट तक भी वो रह सकते हैं, राइट? सो बैक्टीरिया हर जगह पे पाए जाते हैं, जैसा भी हैबिटेट हो. अभी बताया हार्श कंडीशंस में भी दे आर प्रोकैरियोटिक, दे आर यूनिसेलुलर, उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है? और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें एब्सेंट होती है, ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते, फाइन? तो दिस इज मोनेरा. अगर हम बात करें साइज की तो कैसा होता है मोनेरा?
1 टू 10 माइक्रोमीटर आएगा यहाँ पे, माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.7 टू 1.5 मीटर इन विड्थ. देखो शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन सी ओवर हियर द फर्स्ट शेप इज कोकस, राइट. बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ओवल शेप रहेंगे या स्फेरिकल शेप, विद और विदाउट फ्लैजिला दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट. बेसिलस, बेसिलस का मतलब क्या है? रॉड शेप. आप यहाँ देख सकते हैं बेसिलस कैसे है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, राइट. मोनोबेसिलस जब एक रॉड होगा, डिप्लोबेसिलस जब दो रॉड होंगे, जब चेन्स में होंगे तो स्ट्रेप्टोबेसिलस, राइट. तो ये सारे क्या हैं आपके बेसिलस जो है वो एक रॉड शेप बैक्टीरिया की शेप है, राइट. स्पाइरलम, स्पाइरलम यानी स्पिरल शेप, या फिर हम बोल सकते हैं ट्विस्टेड होंगे, ये आप देख सकते हैं, राइट. दिस इज स्पाइरला एंड इन दिस आल्सो यू कैन सी दैट देयर आर फ्लैजेला. यहाँ फ्लैजेला इजीली देख सकते हैं, राइट. नेक्स्ट है आपका वाइब्रियो. वाइब्रियो कैसा होता है? कॉमा शेप और कर्व्ड, राइट. कॉमा शेप और हम बोल सकते हैं कर्व शेप, राइट. और ये आपका एग्जाम्पल इसमें है वाइब्रियो कॉलेरे. वाइब्रियो कॉलेरे, तो ये क्या है? ये कुछ शेप और साइज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैक्टीरिया कैसा दिखता है, ठीक है. तो हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है वो उसके ऊपर म्यूकलेज की कवरिंग होती है. ये जो है ये म्यूकलेज की कवरिंग है, ठीक है. इसकी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, इंक्लूजन बॉडी, फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्रे, राइट. ये सारी चीजें इसमें होती है. ये आप देख सकते हैं फ्लैजेला, प्लाज्मिड, राइबोसोम विच आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होंगे, ठीक है. मैम्ब्रेन बाउंड माइटो ऑर्गेनलीज नहीं होंगे, यानी जिनके पास मैम्ब्रेन होती है वो वाले ऑर्गेनलीज बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, ठीक है. बिकॉज दे आर ऑलरेडी यूनिसेलुलर तो इनमें नहीं पाए जाते. अब इसकी डिफ्रेंशिएशन आगे हम पढ़ते हैं. आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है एंशियंट, जो बहुत पहले से पाए जा रहे हैं, राइट. और वो हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं. एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, सॉल्टी का मतलब होता है हेलो, राइट. तो दे आर फाइल्स का मतलब होता है लव, राइट. तो द वन हु लव सॉल्ट दैट इज कॉल्ड हेलोफाइल्स. हॉट स्प्रिंग, हॉट का मतलब होता है थर्मो एसिडोफाइल्स, फाइल्स मींस लव. मार्शी, मार्शी का मतलब यहाँ पे है मिथेनोजेंस, राइट. मार्शी एरियाज में भी पाए जाते हैं. तो आर्की बैक्टीरिया को आगे फर्दर थ्री टाइप्स में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. और इसमें आ जाते हैं सबसे पहले स्ट्रिकी एनारोब्स, ठीक है. दे डोंट नीड ऑक्सीजन एंड दे कैन लिव इन द गट ऑफ द रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स वो होते हैं जिनके स्टमक में फोर चैम्बर होते हैं, ठीक है. रूमेन रेटिकुलम, रूमेन रेटिकुलम, राइट. उसके बाद आ जाता है ओमासम और एबोमासम, राइट. ओमासम एंड एबोमासम, ये चार चैम्बर रहते हैं. अब इनमें स्पेशल बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया को हम बोल देते हैं मिथेनोजेंस. और इनका काम क्या होता है? ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये जनरली फर्मेंट करते हैं सेल्यूलोज को. ये सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है? जितने भी रूमिनेंट्स घास खाते हैं उनकी जो प्लांट बेस्ड फूड होता है उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है, तो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं बैक्टीरिया जो उनके स्टमक में रहते हैं. एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैसिलस, मिथेनोसार्सिना, मिथेनोकोकस. हेलोफाइल्स बता दिया मैंने आपको, जो कि सॉल्टी रीजन्स में रहते हैं, मार्शी सॉल्ट मार्शेस में रहते हैं. एग्जाम्पल रहेगा हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, राइट. थर्मो एसिडोफाइल्स में आपके कौन कौन आ जाएंगे? जो कि एक्सट्रीम हॉट रीजन्स में पाए जाते हैं, राइट. जैसे कि जिनका पीएच नियर अबाउट 2 रहेगा, ठीक है. और अंडर एन एरोबिक कंडीशन दीज ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज टू सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी यानी एब्सेंस होगा तो वो ऑर्गेनिज्म सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर में अगर ऑक्सीजन एड हो जाएगी तो वो क्या बना देगा? सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. या फिर सल्फर डाइऑक्साइड में फर्स्ट कन्वर्ट होके बाद में वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा. नेक्स्ट है हमारे पास यू बैक्टीरिया. अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया में क्या आ जाते हैं? इनको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया. क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी सेल वॉल होती है, रिजिड यानी हार्ड सेल वॉल होती है. इनके पास आपको फ्लैजेला भी मिल जाएगा, ठीक है.
और यहाँ पर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया इट्स अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है। नॉस्टॉक नॉस्टॉक इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया के जैसे होते हैं, ठीक है, तभी इसे हमने मोनेरा में डाला है। प्लीज डोंट कंफ्यूज, नॉस्टॉक इज अ ग्रीन एल्गी बट इट्स अ बैक्टीरिया बिकॉज इट शोज द फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड दे कैन सर्वाइव इन अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिट्स। हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, सी वाटर में भी, पॉल्यूटेड वाटर में भी, तो वो हर जगह पर रह सकते हैं। कौन? साइनो बैक्टीरिया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लर्न कर लीजिएगा, ऑसिलोचेरिया, स्पिरुलिना, राइवोलेरा, एनाबेना, राइट। सो दीज आर सम बैक्टीरियाज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है। इसको सबसे पहले रॉक्स ने डिस्कवर किया था 1898 में, और उसने प्लूरल फ्लूड के अंदर इसे पाया कि जो कैटल सफर कर रही थी प्लूरो निमोनिया से, उसमें उसको ये माइकोप्लाज्मा दिखा, इसलिए उसने उसका नाम लिख दिया माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। और पीपीएलओ, पीपीएलओ स्मॉलेस्ट सेल है, राइट। और इनके कुछ फीचर्स हैं कि इनका साइज 0.1 to 0.5 पिकोमीटर रहता है। न्यूक्लियस प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। डीएनए नेकेड होता है क्योंकि इनके पास हिस्टोन्स की हिस्टोन प्रोटीन्स की पैकेजिंग नहीं होती है। राइबोसोम इनका 70S टाइप होता है। माइकोप्लाज्मा कभी भी अपना फूड खुद नहीं बना सकता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट मींस इट डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इन द लास्ट स्लाइड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। तो अगर आपको साइनोबैक्टीरिया वाली स्लाइड अभी पता है, ठीक है, उसके अंदर आपने नॉस्टॉक देखा था, राइट। तो सेल्स जो होते हैं इसमें स्मॉलर होते हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं ये कंपैरेटिवली लार्जर होंगे। सेल के ऊपर 1 या 2 लेयर होगी प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल की, बट यहाँ पे 4 लेयर है, तो इट नीड्स मोर प्रोटेक्शन, राइट। फ्लैजेला हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट साइनोबैक्टीरिया नेवर एवर हैव फ्लैजेला। इन द लास्ट स्लाइड आई हैव शोन यू कि नॉस्ट्रो के पास कोई भी फ्लैजेला नहीं होता। ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक दोनों तरीके से अपना फूड बना लेते हैं, बट दे आर ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एज अ पिगमेंट विच हेल्प देम टू मेक देयर ओन फूड, राइट। बट इन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे कंटेन्स द बैक्टीरियो क्लोरोफिल, दे आर एनऑक्सीजेनिक, मीन्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। एरोबिक भी हो सकते हैं, एरोबिक भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ही सर्वाइव कर लेते हैं, बट दे आर टोटली एरोबिक, दे नीड ऑक्सीजन, दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, दे स्टोर देयर फूड इन द साइनोफाइसिन स्टार्च। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ द साइनोबैक्टीरिया स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइसिन स्टार्च एंड हाउ बैक्टीरिया स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट। सो आई होप कि आपको बैक्टीरिया के बारे में, मोनेरा के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, राइट। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।